23 सितंबर 2024 एक बहुत ही भव्य रैली पूरे महाराष्ट्र के गाड़ियां औरंगाबाद से होते हुए मुंबई की तरफ गए। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से गई, बहुत ही पीसफुल तरीके से गई। कहीं कोई हुल्लड़बाजी नहीं, कहीं कोई नारेबाजी नहीं। तिरंगा लहराते हुए ये रैली औरंगाबाद से मुंबई की तरफ जब गई तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया देखता रहा कि इतनी बड़ी रैली कैसे ऑर्गेनाइज की गई। कोई हंगामा नहीं, कोई भड़काऊ भाषण वहाँ पर नहीं हुआ। मुंबई पहुँचे, थाने में हमको रोक दिया गया। थाने के अंदर हमको बताया गया कि हम मेमोरेंडम यहीं पे देना है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी आए। हमने उनको मेमोरेंडम दिया और वहाँ से हम निकल गए। वहाँ से निकल जाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चले गए और उसके बाद खेल शुरू हुआ मीडिया का। अब मीडिया किस तरीके से काम करता है आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी हर रोज़ देखते हैं, सुनते आ रहे हैं उसमें। लेकिन इस पर्टिकुलर हमारी जो रैली के ताल्लुक से जो रिपोर्टिंग की गई है मुझे बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, और आप भी समझ जाइएगा कि कितना घटिया खेल ये मीडिया खेलती है सिर्फ अपने न्यूज़ को सेंसेशनलाइज करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, और झूठ का कैसा सहारा लिया जाता है। अब मैं उदाहरण आपको देता हूँ रिपब्लिक हिंदी चैनल का। जी हाँ, रिपब्लिक हिंदी चैनल, इन्होंने रात में अपने प्राइम टाइम के अंदर एक बड़ी भड़काऊ न्यूज़ से शुरुआत की कि इतनी बड़ी रैली निकली है करके, और उनका एंकर भागते हुए आया अंदर और आते ही बताया कि कैसे लाठीचार्ज किया गया था करके। अब जब वो विजुअल्स मैंने रिपब्लिक टीवी के ऊपर देखा तो मैं खुद हैरान हो गया कि इस रैली के अंदर तो महिलाएं थी नहीं। इस रैली के अंदर हमारे साउंड सिस्टम के लिए एक छोटा सा माइक रखा गया था, तो इतने बड़े बड़े स्पीकर्स कहाँ से आ गए? महिला वहाँ पर खड़ी हुई है, और साथ ही साथ फिर हमारी नज़र गई एक बोर्ड के ऊपर जो बता रहा था कि दिल्ली कुछ 165 किलोमीटर। तो हमने कहा हम तो मुंबई के अंदर है, ये बोर्ड तो दिल्ली के करीब का बता रहा है, ये लाठीचार्ज तो हमारा है ही नहीं, ऐसा सेटअप हमारा था ही नहीं। तो लेकिन वो रिपब्लिक हिंदी चैनल ने बखूबी उसको शुरुआत के अंदर ही चलाया, और वो जो रिपोर्टर थे बड़े जोश के अंदर बता रहे थे कि कैसा लाठियों से भूना गया है करके। अब आप पहले रिपब्लिक टीवी का वो वीडियो आप देख लीजिएगा कि जहां पर महिलाएं दिख रही है, जहां पर वो बोर्ड नजर आ रहा है जिसके ऊपर दिल्ली कितने किलोमीटर है वो दिखा रहा है करके, बड़े बड़े साउंड सिस्टम दिखा रहे है। तो वो रिपब्लिक टीवी ने ये बताया कि ये लाठी चार्ज, ये हमारी तिरंगा रैली के बाद पुलिस ने कैसे लाठियों से भूना है करके ये बताया। बड़े खुश हो रहे थे दिखा के कि देखे कैसा वहां पर इतने सारे लोग जमा हो गए और पुलिस ने अपने डंडों का इस्तेमाल किया। बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि पत्रकारिता नहीं कर रहे थे, दलाली कर रहे थे। अब आप ये विजुअल देख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको अपना विजुअल बताता हूँ। अब देखिए इस पर लाठी चल गई, शिंदे सरकार ने लाठी चलाना शुरू किया भीड़ पर, रात को लाठियां चलाई और उसके बाद लोगों को खदेड़ा है। पुलिस दरअसल पुलिस मौजूद थी बॉर्डर पर, जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करने लगी भीड़, पुलिस ने लाठी चलाई, बल प्रयोग किया और उसके बाद लोगों को यहां से खदेड़ा और तितर बितर किया। अब हम आपको दिखाएंगे हमारी रैली का दृश्य। हमारी रैली जिस तरीके से आई वहां पे, जिस ग्राउंड के अंदर खड़े हुए थे, और वहां पर जब सब लोग चले गए थे, कुछ लड़के थे जो थोड़ा बहुत हंगामा कर रहे थे, पुलिस वालों ने मारे नहीं डंडे, लेकिन लोगों को वहां से भगाया, और बहुत कम लोग बचे हुए थे जब पुलिस वहां से भगा रही थी। अब ये हकीकत जो हमारा वहां पे मुलुन नाके के पास का विजुअल है, ये विजुअल आप देख लीजिएगा और उसको कंपेयर कर लीजिएगा जो विजुअल रिपब्लिक टीवी चैनल और दूसरे चैनलों ने भी खूब चलाया, ये कहते हुए कि कैसे लाठियों से भूना गया। कुछ यूट्यूब चैनल वाले भी कुछ कम नहीं है, पैसा दो तो कुछ भी कर देते हैं, तो उन्होंने भी बड़ा जमकर कि कैसे लाठियां बरसाई गई AIMIM की बड़ी रैली के उसमें। तो अब आप ये विजुअल देख लीजिएगा,
ये विजुअल देख लीजिएगा और आप समझ जाइएगा कि मीडिया आज के इस दौर के अंदर किस तरीके से काम कर रहा है। और मैं सिर्फ रिपब्लिक टीवी की बात नहीं कर रहा हूं, जी न्यूज वाले ने किसी एक कहां की किसी की तकरीर को हमारे विजुअल के अंदर बताया कि हमारी रैली के अंदर इस तरह की तकरीरें की गई है करके, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने भी चलाया। किसने एडिट किया, किसने उसको ट्विटर के ऊपर डाला, ये इसकी जिम्मेदारी हमने उनको ओपन चैलेंज किया कि मजलिस के AIMIM के या वहाँ की रैली के अंदर, जो हमारी रैली नहीं थी, सभी मुसलमान वहाँ पर इकट्ठा हुए थे अपनी नाराज़गी जताने के लिए और ये बताने के लिए कि हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने हुजूर की शान के अंदर गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो हम मुख्यमंत्री को संविधान की याद दिलाने के लिए वहाँ पर आए थे। तो हमने यूजी न्यूज़ को भी बताया कि आप ये क्यों चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको किसी ने भेजा, आपके किसी पार्टी के बंदे ने इसको ट्वीट किया तो हमने उठा लिए है करके। पत्रकारिता ऐसी नहीं होती है साहब, 24 साल हमने भी पत्रकारिता की ये है तो हमें भी मालूम है कि पत्रकारिता करने के तरीके क्या होते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कुछ पत्रकार पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। इसलिए अगर यही सब करना है तो पत्रकारिता का एक नोबल प्रोफेशन है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है हमारी, मीडिया जर्नलिज्म, उसको बदनाम मत करिएगा।